बहुत
for regional cooperation, cooperation, okay? रीजनल डेवलपमेंट के लिए जितने भी साउथ एशियन जो कंट्रीज थे वो इकट्ठे आए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया ताकि वो अपने रीजन को डेवलप कर सके, अपने अपने कंट्रीज के इकोनॉमी को डेवलप कर सके. इंडिया इनिशिएटेड अ डायलॉग टू इंप्रूव रिलेशंस विद चाइना. इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड इंटरेक्शन विद अमेरिका फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी. ओके, उस वक्त चाइना के साथ भी कुछ अच्छा रिलेशन नहीं था इंडिया का, बट इंडिया ने हमेशा इनिशिएटिव लिया. जो भी ऐसे कंट्रीज थे जिनका इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था, पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, उनके साथ इंडिया ने हमेशा इनिशिएटिव लिया कि उनके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन बना सके. एंड ऑल्सो इंडिया हैड अप्रोच फॉर कोऑपरेशन ऑफ अमेरिका, मतलब अपने इंडिया के सिक्योरिटी के लिए उन्होंने यू नो अमेरिका के कोऑपरेशन यू नो मांगा. Now let us see first stage 1947 to 1990. अभी हमने जो देखा था वो था अर्ली फेज. ओके, इंडिया इंडिया फॉरेन पॉलिसी का अर्ली फेज कैसा था, कितने सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा इंडिया को. ओके, एंड नाउ लेट अस सी फर्स्ट स्टेज दैट इज फ्रॉम 1947 to 1990. इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोल्ड वॉर. एज अ रिजल्ट प्रायोरिटी वॉज गिवन टू मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल नेशंस एंड टू टेकिंग द हेल्प रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इंडिया कुड गेट एड फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स. ओके, इंडिया ने जो नॉन अलाइन पॉलिसी जो यू नो अपनाया था, जिसको सपोर्ट किया था इंडिया ने, उसके वजह से इंडिया को यू नो एक तरीके से फायदा हुआ. बिकॉज इंडिया कोई भी सुपर पावर के साथ जुड़ी हुई नहीं थी और इंडिया ने एफर्ट्स लगाए कि वो सारे कंट्रीज के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करे. ओके, किसी भी कंट्रीज के साथ दुश्मनी ना करे और सबके साथ कॉर्डियल यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करे. ओके, बिकॉज ऑफ दिस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंडिया कुड गेट हेल्प फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स, क्योंकि वो कोई भी कंट्रीज के साथ कोई भी सुपर पावर के साथ जुड़ी
nuclear capability by conducting nuclear test in 1974. Okay, India ने अपने nuclear capability को prove किया nuclear test conduct करके. Okay, दुनिया को मतलब उन्होंने ये prove किया कि India एक powerful nation है. Okay, और उसके independence और sovereignty को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. ये इंडिकेट करने के लिए उन्होंने इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1974 को. ओके, नाउ सी कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित नेहरू टू इंडियास फॉरेन पॉलिसी. ओके, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था. His stand was that India should independently understand the global and international affairs. Yani jo jitne bhi global ya international affairs, international jo events hai, usko individually understand karna, usko independently understand karna. Theek hai, jo international events hai usko samajhna, kaisa hota hai, kya hota hai, usko acche se samajhna. He followed up with the policy of peace.